हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिनका नाम है द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी बाय एंटोनिन आर्टूट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी एक थियोरी है ऑन थिएटर जो कि हमें मिलेगा एंटोनिन की बुक जो है जिसका नाम है द थिएटर एंड इट्स डबल। फ्रेंड्स एक और बात है, मैंने अपने चैनल पे एंटोनिन आर्टूट की व्यूज ऑफ ओरिएंटल एंड ओसिडेंटल थिएटर्स इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, क्लिक करके देख लो। सो फ्रेंड्स अभी चलो जानते हैं अबाउट द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। सो एंटोनिन आर्टूट एक्चुअली सररियलिस्ट मूवमेंट का एक मेंबर था, जो कि एक शॉर्ट टाइम मेंबर था, कुछ समय के लिए सररियलिस्ट मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन किया था। सो एक प्लेराइट है जिनका नाम है एपोलिनेर, वो है सररियलिस्ट थिएटर का फाउंडर। ओके, सो सररियलिस्ट थिएटर और सररियलिस्ट जो मूवमेंट है वो इंस्पायर्ड होते हैं फ्रॉयड की, सिगमुंड फ्रॉयड की स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड से। अनकॉन्शियस माइंड मतलब असचेतन माइंड, अचेतन माइंड। इस थीम से इंस्पायर्ड होते हैं सररियलिस्ट थिएटर। एंड सररियलिस्ट जो प्लेराइट है वो एक्चुअली अपने थिएटर को रियलिटी की ऊपर ले जाते हैं, एंड वो लोग ड्रीम को और हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड की थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं अपने थिएटर में। एंड वो लोग एक ट्रू रियलिटी क्रिएट करने के लिए लोगों की अनकॉन्शियस माइंड को देखते हैं, दे लुक टू ड्रीम्स इंस्टेड ऑफ लॉजिक। ठीक है, सो एक्चुअली सररियलिस्ट जो प्लेराइट है वो एवरीडे लाइफ को, एवरीडे रियलिटी को ऐसे अपने थिएटर पर एक्सप्लेन करना चाहता था जो ना तो किसी ने देखा होगा ना किसी ने इमेजिन किया होगा कि ऐसे भी रियलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। सो अभी चलो जानते हैं कैसे द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी का जन्म हुआ है। सो एंटोनिन आर्टूट जो है वो एंड्रे ब्रेटन की एक बुक जिनका नाम है द सर रियलिस्ट मैनिफेस्टो, जिस बुक पे एंड्रे ब्रेटन ने द रियलिटी ऑफ माइंड एंड द रियलिटी दैट सराउंड्स अस, इन दो रियलिटी को मतलब अपनी माइंड की रियलिटी एंड जो रियलिटी पे हम रहते हैं द रियलिटी व्हिच सराउंड्स अस, इन दो रियलिटी को यूनिफाई करने की कोशिश की है। सो आर्टूट एंड्रे से इंस्पिरेशन लेते हैं, एंड्रे की बुक से सजेशन लेते हैं एंड उन सजेशंस को वो कंबाइंड करते हैं विद द ड्रामेटिक मूवमेंट्स ऑफ बालिनीज डांस। मतलब बालिनीज एक डांस फॉर्म है ऑफ द ईस्ट। सो बालिनीज डांस फॉर्म की ड्रामेटिक मूवमेंट्स के साथ एंड्रे ब्रेटन की सजेशन को कंबाइन करके थिएटर ऑफ क्रुएल्टी का जन्म हुआ था बाय एंटोनिन आर्टूट। आर्टूट जो था वो बिलीव करता था कि एरिस्टोटल से थिएटर जो भी सीखा है, मतलब एरिस्टोटल की थ्योरीज को वो रॉन्ग लेसन्स बताता था। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टूट अ गुड थिएटर शुड एक्चुअली बी मोर रियल देन बोरिंग एवरीडे लाइफ। सो आर्टूट के मुताबिक एक जो अच्छी थिएटर है, गुड थिएटर, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि गुड थिएटर को एवरीडे लाइफ से भी मोर रियल होना पड़ेगा। एंड द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी की जो एक्टर्स है उन एक्टर्स को आर्टूट बोलते हैं एथलेट्स ऑफ द हार्ट। एंड आर्टूट चाहते हैं कि वो एक्टर्स जो है वो एक्ट करे, वो परफॉर्म करे नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म बट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमोशन सेंसेशन एंड प्योर फिजिकलिटी। मतलब एक्टर्स की परफॉर्मेंस पे एक इमोशन होना चाहिए, सेंसेशन होना चाहिए और प्योर फिजिकलिटी होना चाहिए। एंड आर्टूट एक और चीज़ बिलीव करते हैं कि जो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी है और जो गुड थिएटर है हम कह सकते हैं, उस थिएटर पे परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए जिस परफॉर्मेंस पे टेक्स्ट से ज़्यादा एम्फोसिस हो मिजन सीन पे। मिजन सीन मतलब लाइट, साउंड, कॉस्ट्यूम्स, इन सारी चीज़ों को मिला के मिजन सीन बोलते हैं। सो आर्टूट जो है टेक्स्ट पे मतलब वर्ड्स पे बिलीव नहीं करता था, वो बिलीव करता था इमोशन पे, मिजन सीन पे एंड सेंसेशन और प्योर फिजिकलिटी पे बाय द एक्टर्स। सो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी क्या है, इट इज़ द ब्रेक विथ वेस्टर्न थिएटर, क्योंकि द थिएटर एंड इट्स डबल इस बुक पे आर्टूट ने एक्सप्रेस किया है ईस्टर्न फॉर्म्स ऑफ थिएटर के लिए अपने डेडिकेशन और एडमिरेशन को, पार्टिकुलरली बालिनीज थिएटर के लिए। आर्टूट को लगता है कि जो वेस्टर्न फॉर्म्स ऑफ थिएटर है वो बहुत ही नैरो हो गया है, क्योंकि वेस्टर्न फॉर्म्स ऑफ थिएटर एग्जामाइन करते हैं साइकोलॉजिकल सफरिंग को, इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल सफरिंग को एंड कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों की सोसाइटल स्ट्रगल्स को। लेकिन आर्टूट जो है वो चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस की जो एस्पेक्ट्स है उससे अच्छे से जानना, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ही जो है वो ही एक मेन कॉज है ऑफ ह्यूमन बींग्स मिस ट्रीटमेंट्स टू वन अनादर।
ह्यूमन बीइंग जो एक दूसरे से खराब व्यवहार करते हैं, जो कि सोसाइटी में जो भी कुछ गलत होते हैं, स्ट्रगल्स है जो पीपल के बीच में, उसका कारण ही है सबकॉन्शियस माइंड। थिएटर एंड क्रुएलिटी के साथ आर्टुर जो है वो ऑडियंस की माइंड पे, ऑडियंस की सेंस को हिट करना चाहता था, क्योंकि आर्टुर को लगता था कि जो थिएटिकल एक्सपीरियंस थिएटर ऑफ क्रुएलिटी देगा वो पीपल को हेल्प करेगा टू पर्च द डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस द जॉय दैट सोसाइटी फोर्सेस देम टू रिप्रेस। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि एज अ फादर ऑफ द रिवोल्यूशनरी थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, आर्टुर जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ थिएटर को पसंद नहीं करता था एंड थिएटर को दूर लेके जाना चाहता था ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ थिएटर के लिए, जहाँ पे सिर्फ हमें वर्ड मिलेगा, वेल मेड प्लॉट मिलेगा और हमें कुछ अंडरस्टैंडेबल कैरेक्टर्स मिलेगा जो कि रियल लाइफ को इमिटेट करने की कोशिश करता है। लेकिन आर्टुर ने 1933 पे लिखा है कि ए ट्रू थिएट्रिकल वर्क डिस्टर्ब्स द सेंस इन रिपोज, मतलब एक जो असल में थिएट्रिकल वर्क है वो ऑडियंस की सेंस को डिस्टर्ब करेगा, लिबरेट्स द रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस, जो अनकॉन्शियस है उसे रिप्रेस करेगा, फोमेंट्स अ वर्चुअल रिवोल्ट, मतलब एक वर्चुअल रिवोल्ट होने के लिए प्रोवोक करेगा एंड इम्पोजेस बोथ अ हीरोइक एंड टिपिकल एटीट्यूड ऑन द असेंबल्ड कलेक्टिविटी। सो जैसे कि हमें पता है आर्टुर का जो बुक है जिसका नाम है द थिएटर एंड इट्स डबल, उस बुक पे आर्टुर ने ड्रामेटिक थ्योरीज को प्रेजेंट किया है। सो द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी पे आर्टुर ने प्रेजेंट किया है थिएटर को एंड क्रुएलिटी की मीनिंग को अलग तरीके से, मतलब थिएटर एंड क्रुएल्टी का कन्वेंशनल मीनिंग नहीं है यहाँ पे। थिएटर मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर नहीं है जो कि सिर्फ स्टेज्ड परफॉर्मेंस होते हैं बिफोर अ पैसिव ऑडियंस, लेकिन यहाँ पे थिएटर एक प्रैक्टिस है जो कि जगाते हैं ऑडियंस के नर्व्स को एंड हार्ट को, मतलब जो कि ऑडियंस को जगाते हैं, जो कि ऑडियंस को रियलिटी दिखाते हैं एंड जिससे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इमीडिएट वायलेंट एक्शन को एंड जिसकी इमेजेस की फायरी मैग्नेटिज्म हमें इंस्पायर करते हैं एंड जो एक स्पिरिचुअल थेरापीटिक की तरह एक्ट करता है जिसका टच हम कभी नहीं भूल सकते, मतलब जो इफेक्ट हमें मिलेगा बाय द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी वो हम कभी नहीं भूल सकते। सो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी पे थिएटर का मीनिंग यही है। अभी हमें जानना होगा क्रुएल्टी का मीनिंग यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे क्रुएल्टी का मतलब एक फिजिकल वायलेंस भी नहीं है, इमोशनल वायलेंस भी नहीं है। यहाँ पे क्रुएल्टी का मतलब है कि एक्टर्स जो है वो ऑडियंस को वो सब चीज़ें दिखाएगा अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो कि ऑडियंस नहीं देखना चाहता था। सो इसीलिए एक्टर्स को इस थिएटर पे ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा एंड ऑनेस्टली क्रूएल होना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू आर्टुर क्रुएल्टी इज नॉट एक्सक्लूसिवली सैडिज्म और कॉजिंग पेन बट जस्ट एज ऑफन अ वायलेंट फिजिकल डिटर्मिनेशन टू शैटर अ फॉल्स रियलिटी। सो यहाँ पे क्रुएल्टी क्या है, एक डिटर्मिनेशन है, एक फिजिकल डिटर्मिनेशन है टू शैटर अ फॉल्स रियलिटी एंड अकॉर्डिंग टू आर्टुर जो थिएटर है वो एक यूनिक, उस पर एक यूनिक लैंग्वेज होना चाहिए जो लैंग्वेज है हाफ वे बिटवीन थॉट एंड जेस्चर। सो हाफ वे बिटवीन थॉट एंड जेस्चर को कहा जाते हैं एन यूनिक लैंग्वेज ऑफ। सो एंटोनिन आर्टुर ने द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी पे एक चीज़ कहा है जो कि है द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी हैज़ बीन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिस्टोर टू द थिएटर अ पैशनेट एंड कन्वल्सिव कंसेप्शन ऑफ लाइफ and it is in this sense of violent rigor and extreme condensation of scenic elements that the cruelty on which it is based must be understood. This cruelty, which will be bloody when necessary but not systematically so, can thus be identified with a kind of severe moral purity which is not afraid to pay like the price it must be paid. So friends, yahi tha about theater of cruelty aur agar hum aur briefly jane to hame aur bhi kuch cheeze janna hoga about theater of cruelty jo ki hai theater of cruelty एक्शन पे एम्फोसिस करते हैं, टेक्स्ट पे नहीं, जो कि मैंने पहले ही कहा था। एंड आर्टुर जो है वो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी के द्वारा एक सेंस ऑफ पेन, सफरिंग एंड इविल को ट्रांसफर करना चाहते थे थ्रू जेस्चर्स, साउंड्स एंड सिंबल्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, ओके। एंड थिएटर ऑफ क्रुएल्टी पे मिजन सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि द स्क्रीम्स, नॉइजेस, क्राइज, दे वर द मेजर फोकस ऑफ द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। एंड जो नॉइजेस है, जो क्राइज है, जो स्क्रीम्स है, वो एक्चुअली ऑडियंस की माइंड को जज कर देता है एंड उन लोगों को अपनी खुद की फियर्स को फेस करने के लिए तैयार करते हैं। आर्टुर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ चाहता था कि वो चाहता था कि ऑडियंस जो है स्विवल चेयर्स पे बैठे इन द मिडिल ऑफ द परफॉर्मेंस, इन द सेंटर ऑफ द परफॉर्मेंस में, क्योंकि मतलब कि ऑडियंस सेंटर पे होगा और उनके चारों तरफ परफॉर्मर्स और एक्टर्स परफॉर्म करेगा। सो फ्रेंड्स, दीज वेयर ऑल अबाउट द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी बाय एंटोनिन आर्टुर।
मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझ पाई हूँ, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन पे। टिल देन प्लीज़ स्टे सेफ।